अपना नाम बता दें और क्या करते हैं। हम विनोद कुमार सानी मेरा नाम है और पेशे से हम नाविक हैं। विनोद जी, अभी गंगा की क्या स्थिति है? गंगा की स्थिति तो मान लीजिए अभी नॉर्मली तौर पे मतलब पानी बराबर आ ही रहा है, पानी बराबर आ ही रहा है और पानी भी थमने के नाम पानी का भी स्थिति तो अभी लग रहा है कि और आगे तक जाएगा अभी पानी। क्या कारण लग रहा है, जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उसकी वजह से या कुछ और कारण? यानी उसके वजह से तो है ही है, क्योंकि अभी बाढ़ की भी परिस्थिति अभी नॉर्मल अभी समझ में नहीं आ रही पूरी तरीके से कि मतलब बारिश पानी यानी आना ज़्यादा आना है कि नहीं आना है, पर ऐसे वर्तमान में तो लग रहा है कि पानी हर साल तो अच्छा कि पानी हमेशा ऊपर आते रहता है और अभी वर्तमान में पानी तो फिलहाल स्थिति भी तो मतलब बराबर ही चल रही है। पानी बढ़ने से अभी क्या दिक्कतें आ रही है? पानी बढ़ने दिक्कतें ये आ रही है कि भाई हम लोग नाव आगे पीछे करना धरना रहता है, पानी बढ़ता जाएगा हम लोग आगे चलते रहेंगे बराबर और कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। का भी संपर्क टूट सकता है? हाँ, घाट का भी संपर्क टूट सकता है, जैसे मान लीजिए अभी तुलसी घाट ये देख रहे हो आप ये रास्ता अभी पानी ऊपर अवेलेबल मान लीजिए 5 फीट अगर पानी बढ़ जाता है ये रास्ता आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो आदमी जो पब्लिक जो है पूरा इकट्ठा भीड़ हो जाएगी। ठीक है सर, क्या करते हैं? नाव चलाते हैं, नाव चलवाते हैं। अभी फिलहाल गंगा की क्या स्थिति है? गंगा अभी बढ़ते ही चली जा रही है, 5-6 दिन हो गया है, अभी उनका स्थायी रूप नहीं हुआ, अभी बढ़ ही रही है। क्या लगता है कि अगर ऐसी गंगा बढ़ती रही तो आप लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? दिक्कत तो अभी से शुरू हो गया है, पानी और ऊपर जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, फिर नाव बंद हो जाएगा, फिर हम लोग घर में भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही है? अभी दिक्कत यही है कि जलकुंभी उलकुंभी बह रहा है और मोटर बोट वगैरह चलाने पर थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, पंखा में लड़ जा रहा है और इधर प्रशासक रोक लगा दिया कि सूर्यास्त के बाद नाव नहीं चलेगा, तो ये सूर्यास्त के बाद केवल नाविकों की नाव नहीं चलेगी कि जो योगी और मोदी चलवा रहे हैं क्रूज वो भी नहीं चलेगी, ये भी तो नाव होता है, जब नाविकों की नाव न चले तो वो भी नहीं चलना चाहिए, प्रतिबंध तो सबके ऊपर एक तरह से लागू होनी चाहिए।